हरे कृष्णा। आज हम एक कहानी सुनेंगे कैसे कृष्णा विद्याधर को मोक्ष देते हैं। एक बार कृष्णा महाशिवरात्रि मनाने का योजना बनाते हैं और नंद महाराज और ग्वाल बाल के साथ में वो अंबिका वन आते हैं। यह अंबिका वन वर्तमान में आमेर जयपुर राजस्थान में स्थित है। यहाँ अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर है, तो वहाँ पर कृष्णा अपने ग्वाल बालों के साथ इस मंदिर में आते हैं। वहाँ पर वो आके भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं और उसी दिन व्रत करते हैं, स्नान करते हैं और इस प्रकार भगवान का आराधना करते हैं। और रात्रि को सभी ग्वाल बाल अपने नदी के किनारे वहाँ पर विश्राम करने लगते हैं। इसी दौरान रात में एक भयानक अजगर आता है और नंद महाराज को निगलने लगता है। तो जैसे वो चिल्लाते हैं, सभी ग्वाल बाल जग के आसपास जलते हुए आग के लॉग्स हैं उनको लेकर के उनको अजगर को पीटने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो अजगर नंद महाराज को छोड़ता नहीं है और जोर से जकड़ लेता है। तो जैसे नंद महाराज जोर से कृष्ण को चिल्लाते हैं, हे कृष्ण कहाँ हो, मुझे बचाइए, तो कृष्ण तुरंत वहाँ पर आते हैं और नंद महाराज को बचाने के लिए तुरंत उस अजगर को अपने चरणों से स्पर्श करते हैं। और जैसे ही कृष्ण उस अजगर को स्पर्श करते हैं तो वो अजगर अपना अजगर का शरीर छोड़ के तुरंत ही एक देवता का शरीर धारण कर लेता है जो कि विद्याधर के रूप से जाने जाते थे। विद्याधर पूर्व जन्म में एक बहुत ही सुंदर देवता थे और इस एक बार वो भ्रमण पर निकलते हैं तो वहाँ पर एक अंगिरा ऋषि जो कि बहुत ही कुरूप थे, उनकी कुरूपता को देख करके उन पर हंसने लगते हैं। तो अंगिरा ऋषि उनको श्राप देते हैं कि आप एक अजगर की योनि में चले जाएं, आप अजगर बन जाएं। इस प्रकार विद्याधर जो कि अजगर की योनि के रूप में अंबिका वन पर रहते थे, जैसे ही कृष्ण भगवान वहाँ पर आते हैं और उसको अपने चरणों से छूते हैं तो विद्याधर अपने अजगर योनि से मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त करता है। हरे कृष्ण।